हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है बिंदास काव्या। अभी यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है लड़की, और मैं तो हमेशा से ही उसका ब्लॉग देखता रहता हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है उसका ब्लॉग। एक्चुअली मैं अभी उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा उदास है, तो हम और हमारी फैमिली वाले बस यही कहना चाहते हैं कि बिंदास का अभी आप टेंशन मत लीजिए, आपकी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। एक ऐसी प्यारी सी लड़की, एक मनमोहक सी लड़की जो छोटी सी उम्र में, अपने कम उम्र में, 15-16 साल की उम्र में अपने टैलेंट को आगे रखकर जो भूमिका अदा की है वो बहुत ही सराहनीय है। बेटा, जो तुम काम कर रही हो ना, बहुत आगे जाओगी एक दिन। और हम पूरी फैमिली ब्लॉग की तरफ से आपके पूरे परिवार को शुभाशीष है, क्योंकि आपका जो ब्लॉग है ना, हम सारे लोग मिलके देखते हैं, मेरी पूरी फैमिली मिलके देखती है। हम लोगों को इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका जब भी ब्लॉग आता है हम लोग पूरा देखते हैं और फुल इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि आप जो ब्लॉग बनाती हो ना, उसमें खुल के इन्जॉय करती हो। हम भी ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन उस तरीके से, उस रियलिटी को हम पेश नहीं कर पाते हैं जिस रियलिटी से ये लड़की पेश करती है। छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को, खुशी जाहिर करना, प्यार क्या होता है ये चीज़ दिखाना वीडियो के ज़रिए, हैं, मैं माँ बाप के प्रति कैसी मतलब भावना होनी चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए, माँ बाप का जो लाड प्यार होता है, वो सारी चीज़ें काव्या के ब्लॉग में देखने को मिल जाती हैं। सो इसीलिए मैं काव्या ब्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और काव्या, अगर आप लोगों ने अगर उनके चैनल को पे विजिट नहीं किया ना, तो जाइए उनकी वीडियो को देखिए। 3 मिलियन फॉलोवर हैं, और इतनी कम उम्र में, अभी 10वीं का एग्ज़ाम ही दिया है इन्होंने, बहुत अच्छे फॉलोवर उन्होंने जुटा लिए हैं। इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी 3 मिलियन के पार हैं। तो कहते नहीं कि छोटी सी उम्र में अर्श से लेके फर्श तक पहुंच जाना सबके बस की बात नहीं होती है, और इस छोटी सी लड़की ने वो करके दिखाया है। आज उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी मम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, और आप ऐसे ही हैप्पी रहना, क्योंकि आपका जो हंसमुख चेहरा हम लोग देखते हैं ना, हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि यार ये लड़की अपनी लाइफ को जी रही है। मतलब चेहरे पे जरा सा भी सिकर नहीं है, और अपनी खुशी को कैसे पेश करना है, किसी के सामने कैसे जाहिर करना है कि हम खुश हैं, इस चीज़ को बखूबी दिखाती अपनी वीडियो के माध्यम से। इतना तो हम भी अपने लाइफ में भी कभी खुश भी हुए होंगे तो इस तरीके से पेश नहीं कर पाते होंगे। इसलिए मैं आज सभी ब्लॉगरों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जो नेचुरल होता है ना, लोग उसे ही पसंद करते हैं। हालांकि हम भी ब्लॉग बनाते हैं, उतना नेचुरल नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप भी अगर नेचुरल बनाओगे, नेचुरल दोगे, तो लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो दोस्तों, बस इसीलिए मैं सोचा एक काव्या के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। बिंदास काव्या नाम है, तो बिंदास लड़की भी है, कोई टेंशन नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसका टैलेंट को एक बार जाइए देखिए उसके चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, इस तरह की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, जाइए बिंदास काव्या के चैनल को देखिए और हमारी वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।